हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले ब्रह्मास्त्र के रिव्यू के बारे में। तो ऑलमोस्ट 70% ऑक्युपेंसी के साथ ब्रह्मास्त्र का शो देखने के बाद मैं यही कह सकता हूँ कि इस मूवी की स्टार्टिंग इतनी अच्छी थी बट एंडिंग इतनी फ्लैट थी। तो वीडियो को देखते रहे और मैं आपको इस पूरी वीडियो में इसका डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं मूवी की स्टार्टिंग के बारे में। तो मूवी की स्टार्टिंग लिटरली बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग थी। ओपनिंग कुछ मिनट्स को देख के आप पूरी मूवी के लिए काफी एक्साइटेड हो जाते हो। बहुत रेयर मूवीज होती है जिनकी स्टार्टिंग इतनी अच्छी होती है। शुरू में एक्शन बहुत मस्त था, शुरू में पेस बहुत अच्छी थी, शुरू में थ्रिल बहुत अच्छा था। और मैं ये सिर्फ शुरू में ही कह रहा हूँ क्योंकि बाद में तो सब बिखर जाता है। अभी बात कर लेते हैं सबसे पहले VFX के बारे में। तो इस मूवी की बहुत टाइम से हाईलाइट किया जा रहे थे इसकी विजुअल्स, जो कि बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रहे थे ट्रेलर देख के और मूवी देख के मैं कह सकता हूँ कि उतने ही अच्छे हैं। मूवी के फर्स्ट हाफ में शाहरुख खान वाला सीन सबसे अच्छा था। उसके बाद इसका जो प्री इंटरवल सीन था, जो इंटरवल से पहले सीन आता, वो तो इतना अनएक्सपेक्टेड था, मतलब इतना ज़बरदस्त था। उसका BGM, उसका थ्रिल गजब का था एकदम। और उस सीन को देखकर आगे की मूवी के लिए भी एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा हो जाती है। पहले मैं आपको इसकी स्टोरी थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। मूवी की स्टोरी ब्रह्मास्त्र की है, मतलब अस्त्रों का देवता। मूवी में दिखाया गया है कि कुछ अस्त्रों को मिलाकर एक ब्रह्मास्त्र बनता है। अभी दिखाया गया है कि शिवा एक कॉमन बंदा और उसे अचानक माता के पंडाल पर आलिया का करेक्टर ईशा मिलता है और वो कुछ टाइम बाद पार्टी में फिर मिलता है और दोनों को प्यार हो जाता है। बट ईशा के मिलने के बाद अचानक शिवा के ब्रेन का कुछ ट्रिगर होता है और उसे अचानक कुछ ऐसे विजुअल्स दिखने लगते हैं जो वो कभी सोच भी नहीं सकता। जिस ओपनिंग सीन की मैं बात कर रहा था उसके विजुअल्स, कुछ बैक स्टोरी के विजुअल्स और कुछ ऐसे विजुअल्स जो कि उसे किसी और बातों का भी हिंट देते हैं। उसे मूवी के विलन्स के विजुअल्स आने लगते हैं और ये भी विजुअल्स आने लगते हैं कि नेक्स्ट टारगेट कौन है, उस चीज़ के विजुअल्स भी दिखने लगते हैं। ये बेसिकली दिखाता है कि शिवा कॉमन पॉइंट है, वो हर एक अस्त्र से कनेक्टेड है और वो उन अस्त्रों के रक्षक जिन्हें वो मूवी में ब्रह्मांस कहते हैं उनसे भी कनेक्टेड है और हर अस्त्र को फील कर सकता है और ब्रह्मांस को भी फील कर सकता है। अब ये पावर सुनने में तो काफ़ी अच्छी लगती है लेकिन ये उसके लिए काफ़ी पेनफुल हैं और उसको उसके कारण इस और इसके कारण वो इन सब चीज़ों के आंसर ढूंढने निकलता है। फिर वो अमिताभ के करेक्टर गुरुजी से मिलता है और वो वहाँ अपने आप के बारे में जानता है, अपनी हिस्ट्री के बारे में जानता है और बस एक एंड फाइट होती है क्लाइमैक्स, जो कुछ ज़्यादा खास नहीं था लेकिन आगे की स्टोरी को सेटअप बहुत अच्छे से करता है। मूवी ना असल बेसिकली एक लव स्टोरी है। बॉलीवुड में हजारों लव स्टोरी बन चुकी है और ये वाली लव स्टोरी देखने में बहुत ही क्लीशे लगती है। मतलब एक दूसरे को देखते हैं और प्यार हो जाता है, वो आलिया का करेक्टर ईशा शिवा के ऊपर पहले से यकीन करने लग जाता है पहले ही दिन से, और ईशा और शिवा का करेक्टर ईशा के ऊपर पहले ही दिन से यकीन करने लग जाता है। मतलब बहुत ही फिल्मी स्टाइल की लव स्टोरी बिल्डअप की थी जो कि काफी बोरिंग लगता है शुरू शुरू में, क्योंकि बॉलीवुड में काफी स्टोरीज देख चुके हैं, लव स्टोरीज देख चुके हैं, बॉलीवुड में काफी स्टोरीज देख चुके हैं, लव स्टोरीज भी देख चुके हैं। अभी इस मूवी का एक बहुत ही अच्छा कोई अगर हाईलाइट थी तो वो इस मूवी का विलन था, जो कि एक्चुअल में पूरी मूवी में सिर्फ उसके कुछ विजुअल्स दिखाए गए, ना उसका चेहरा दिखाया गया, ना उसके कोई पावर्स दिखाए गए। वो बेसिकली इस पूरी फ्रेंचाइजी का मेन विलन है जो कि मूवी में जस्ट इंट्रोड्यूस करवाया था और ये वाला करेक्टर इस फ्रेंचाइजी को काफी इंटरेस्टिंग भी बनाता है। मूवी में शुरू में दिखाया गया है कि वो मेन विलन कैद है। अब वो क्यों कैद है और किसने कैद किया था वो आप मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। उसका नाम देव है। अब बस ये इस करेक्टर का इतना ही ब्रीफ था। उसकी कुछ बैक स्टोरी दिखाई गई थी, वो कौन था, उसके पास क्या पावर्स थी और वो क्यों कैद किया गया था, उसने क्या गलती की थी, क्या उसके मोटिव्स थे, क्या उसका लक्ष्य था, ये सब उसमें बताया गया है ब्रीफ में। अभी अगर इस मूवी की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज या फिर डिमेरिट की बात करते हैं तो इसकी लव स्टोरी है और आलिया का करेक्टर। ये मूवी वैसे तो ब्रह्मास्त्र के चारों तरफ रिवॉल्व करती है और अगर आप मूवी देख रहे हो तो आपको ये नहीं पता चलता कि कब ये मूवी ब्रह्मास्त्र को हाईलाइट करने से हटाकर आलिया के करेक्टर को हाईलाइट करने लगती है ईशा को, और कब ईशा मेन करेक्टर बन जाती है ये भी नहीं पता चलता। बेसिकली आलिया के करेक्टर को काफी फोर्स किया हुआ लगता है काफी मोमेंट्स पर, और ये मूवी में बहुत ही डिस्ट्रैक्टिंग सा माहौल बना देता है। आपको काफी जगह पे डिस्ट्रैक्ट करता है ये आलिया का करेक्टर, क्योंकि आपको ऐसा देख के लगता है कि अभी जो शिवा का करेक्टर है उसकी जो व्यू, उसका जो मोटिव है वो कुछ होना चाहिए, उसका लक्ष्य अभी कुछ और होना चाहिए, और सिर्फ वो आलिया के चारों तरफ, मतलब ईशा के चारों तरफ घूमता रहता है। और साथ ही मूवी की जो एंड फाइट है वो भी काफी चाइल्डिश ही फील होती है, पता नहीं क्यों। मूवी की एंडिंग फ्लैट है, मतलब सिंपल सी है, शायद अगले पार्ट के लिए कुछ एपिक मोमेंट्स को सेव किया गया है। मैं कह रहा हूँ क्लाइमैक्स सिंपल है बट फिर भी उसका लेवल काफी अच्छा है विजुअल्स के हिसाब से।
मूवी की स्टोरी देखने में काफी वीक है, आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो और भी बेहतर तरीके से हो सकता था ये काम, काफी जगह पे आपको ऐसा लगता है, इसलिए मूवी खासकर सेकंड हाफ में आप काफी जगह पे ये सोचते हो कि मूवी का स्टोरी काफी वीक है, काफी वीक स्क्रीन प्ले है, और बस फिर फिल्म खत्म हो जाती है एंडिंग जो कि काफी फ्लैट थी, काफी सिंपल सी एंडिंग थी, उसके बाद मूवी खत्म हो जाती है, और बस फिल्म खत्म होने उसके बाद पार्ट टू को एस्टेब्लिश किया गया है फाइनल। इसका जो पार्ट टू है वो इस पार्ट के मुकाबले काफी ज्यादा प्रोमिसिंग लग रहा है और काफी ज्यादा बेटर लग रहा है अभी तक। और फाइनली अगर रिव्यू को कुछ वर्ड्स में मैं खत्म करूं तो कमाल के VFX, कमाल की सिनेमाटोग्राफी, अच्छा डायरेक्शन, सही सही एक्टिंग, बट वीक सेकंड हाफ ऑफ स्टोरी, फ्लैट एंडिंग, वीक क्लाइमैक्स, कुछ अच्छे ट्विस्ट, ब्लॉकबस्टर स्टार्ट और पावरफुल प्री इंटरवल सीन और अच्छा सेटअप पार्ट टू के लिए, ये सब इस मूवी का कुछ शब्दों में इस मूवी का रिव्यू है। बस तो यही था इस मूवी का रिव्यू, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।